व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सुभाष एंड वन सेकंड वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 1 RK एंड 1 BHK का फ्लैट शो करने वाला हूँ। ये लोकेशन गाइस आता है नवी मुंबई पनवेल में, आता है पनवेल स्टेशन जो है वो पनवेल स्टेशन से ये मुश्किल से 4 से 5 किलोमीटर पे एक लोग पूरा मतलब प्रोजेक्ट रहेगा। और ये प्रोजेक्ट हाईवे टचिंग है, मतलब जो हाईवे रहता है उससे बस 100 मीटर पे ही है ये प्रोजेक्ट। और हाईवे कौन सा होने वाला है मैं वो भी आपको बताता हूँ यहीं पर ही। ये ओल्ड जो मुंबई पुणे हाईवे वहाँ से ये 100 मीटर पे ही है, रोड टचिंग पे ही है। 4.5 एकड़ में पूरा ये प्रोजेक्ट है। इसमें फेज 1 फेज 2 आने वाला है। फेज 1 जो है वो पूरा बन चुका है, कंप्लीट 100% हो जाएगा, उसी चीज़ सब कुछ आ गया। जो फेज 2 रहेगा वो भी जस्ट जैसे मानसून खत्म होता है 1-2 महीने के बाद वो कंप्लीट, वो भी चालू हो जाएगा। उसका CC आ चुका है, पूरा कंप्लीट वर्क हो चुका है, पेपर वर्क, उसके बाद वो मतलब कंस्ट्रक्शन में जा सकता है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। और साथ साथ में आप लोग को ये अपना रेडी टू मूव के लिए भी फ्लैट देख रहे हो तो नई मुंबई साइड, तो ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें आप लोग को 1 RK एंड 1 BHK का दो ही टाइप का इसमें आप लोग को फ्लैट देखने को मिलने वाला है। जो इसका स्क्वायर फीट रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्डअप एरिया रहेगा कम से कम 1 BHK का स्टार्टिंग रहेगा 600 से, और जो 1 RK का रहेगा उसका 400 से रहेगा। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग है, बाकी प्राइस वाइज में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा। जैसे 1 BHK का जो रहेगा प्राइस वो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग जो प्राइस रहेगा वो इन्वेस्टिंग में मतलब बोल सकते हैं 20 लाख से हो जाएगा, और जो रेडी टू मूव में रहेगा वो कुछ 26-27 लाख से रहेगा, और बाकी जो 1 RK रहेगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए 14 लाख से रहेगा, और बाकी रेडी टू मूव के लिए वो कम से कम 16-17 लाख से रहेगा। तो बाकी आप लोग कॉन्टैक्ट कर लेना, स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको ये रेट तक का मिल जाएगा एक 1 BHK एंड 1 RK का फ्लैट, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोग को यहाँ का एरिया का बता देता हूँ। सब कुछ मैं बताने वाला, मतलब जो सोसाइटी है, जो अपार्टमेंट है, उसके आसपास क्या सराउंडिंग में क्या आता है, उसके नज़दीक में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा आपको, ताकि आप लोग को एक कन्विंस हो पाए कि जहाँ पर मैं रहने जाऊँगा तो उसके आसपास मुझे क्या देखने को मिलेगा, मेरी फैसिलिटी मतलब हो पा रही कि नहीं, उसकी नीड मतलब आपकी नीड जो फुलफिल हो पा रही है कि नहीं फैमिली के लिए, तो वो भी आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आप लोगों को कनेक्टिविटी बताता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को फ्लैट का सैंपल भी शो करूंगा और अपार्टमेंट भी दिखा हुआ, बिल्डिंग भी दिखा हुआ, फेज टू का कहाँ पर काम चालू होने लगा वो भी दिखा हुआ, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्लैट दिखाने से पहले मैं आप लोग को न्यू मुंबई के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। ये न्यू मुंबई आप लोग पहले देख लो किस टाइप का लुक दिखता है न्यू मुंबई। जो लोग नई मुंबई नहीं घूमे उनको मैं बताना चाहता हूँ, न्यू मुंबई काफ़ी प्लानिंग के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर ना हर चीज़ एकदम प्रॉपर है, तो इसलिए देखने को भी यहाँ पर घूमने को भी काफ़ी यूरोप जैसा फील आता है। यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी बड़े बड़े बिल्डर्स लोग का यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है। ये जो आप लोग सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ये नियर बाय मतलब आसपास के जो भी प्रोजेक्ट है उसके आसपास में ये सब बिल्डिंग्स बन रही है इतनी बड़ी बड़ी, तो फ्यूचर में काफ़ी डिमांड इसमें 1 BHK आपको 60-70 लाख के ऊपर है। जो फ्लैट में आपको दिखाना है वहाँ पर आपको कॉस्ट काफ़ी कम मिलेगा। अभी मैं आ गया हूँ ओल्ड नेशनल हाईवे पे, मैंने जैसे बताया था मुंबई पुणे ओल्ड जो नेशनल हाईवे उसके 100 मीटर पे ही प्रोजेक्ट है, तो ये वही लोकेशन है। यहाँ से आपको कनेक्टिविटी हर चीज़ मिल जाएगी, मतलब बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ से सब कुछ मिल जाएगा, लाइक आपको टैक्सी मिल जाएगी, यहाँ पर ऑटो स्टैंड मिल जाएगा, फिर जो गवर्नमेंट का बस होता है वो भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। गवर्नमेंट का बस आपको यहाँ से पनवेल स्टेशन जाने के लिए कुछ 15 से 20 मिनट लगेगा, और जो आप टैक्सी या रिक्शे से जाओगे तो आपको 10 से 15 मिनट लगेगा। जो डिस्टेंस है यहाँ से अपना पनवेल स्टेशन का वो रहेगा कम से कम 4 से 5 किलोमीटर पे, और उसके बाद जो अपना एक्सप्रेस वे है मुंबई पुणे एक्सप्रेस है वो यहाँ से 2.5 किलोमीटर पे रहेगा, और जो न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ से प्रोजेक्ट से वो कम से कम 10 से 12 किलोमीटर पे रहेगा। मैं आपको यहाँ पर लोकल एरिया दिखाऊँ तो ये आप लोग लोकल एरिया चेक कर सकते हैं। ये बेसिकली शेडगांव के नाम से इसको जाना जाता है, जिसको जैसे जगह को बोलते हैं शेडगांव। तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ से बस जाती है, देखो एक सामने मेरे को बाई चांस दिख गई बस, तो ये बस देख सकते हैं, और जो सामने देख सकते हैं ये रहा प्रोजेक्ट अपना, यहीं पर ही आप लोगों को फ्लैट में दिखाने वाला हूँ। और जैसे मैं बता रहा था ये हाईवे से कितना डिस्टेंस नहीं है 100 मीटर पे था, कितना मैं फटाफट हाईवे से जल्दी से आ गया यहाँ पर, तो हाईवे से बहुत ही नज़दीक में है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा रेट भी मिल रहा है। तो ये आप अपार्टमेंट चेक कर सकते हैं, मैं आप लोग अपार्टमेंट दिखाता हूँ। जय मल्हार अपार्टमेंट के नाम से ये पूरा अपार्टमेंट है। ये जो आप सामने आप लोग देख रहे हैं ये फेज 1 है, फेज 1 100% कम्प्लीट हो चुका है, और इसमें कम से कम 90% लोग ऑलरेडी रह रहे, 10% जो कि कुछ बचा हुआ है फ्लैट, तो उसमें आप लोग यहाँ पर रेडी टू मूव में फ्लैट ले सकते हैं। 1 RK रहेगा जो कि, और 1 BHK जो कि देखने को मिल जाएगा आपको। ये आप गेट चेक कर सकते हैं, एक प्रॉपर गेट है जो कि काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आप लोग को ओपन स्पेस मिलेगा, देख सकते हैं ऐसा ओपन स्पेस रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख रहे कि ग्राउंड प्लस 4 है, मतलब 4 माले की बिल्डिंग है, बट जो अपना फेज 2 में आने वाला है वहाँ पर आपको G+7 मिलेगा, तो मतलब टोटल देखा जाए तो 8 फ्लोर का बिल्डिंग बनेगा वहाँ पर।
तो उसमें आप लोगों को हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस फिलहाल फेस वन में हाइट कम है, बट इसको भी एक्सटेंड किया जाएगा इन फ्यूचर में जाके। अभी फ़िलहाल तो नहीं होएगा, अभी फ़िलहाल इतना ही रहेगा। इन फ्यूचर में यहाँ पर भी 7 माले तक का बिल्डिंग बन जाएगा। यहाँ पर कॉमर्शियल शॉप भी है, कॉमर्शियल शॉप सिर्फ फेज़ वन में ही है, और बाकी फेज़ टू में कॉमर्शियल शॉप नहीं आ रहा है। तो फेज़ वन में आपको कॉमर्शियल शॉप देखने को मिल जाएगा। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा एमिनिटीज़ की तरफ, मैं आप तो एमिनिटीज़ भी दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं आ गया, पहले आपको लोगों पूरा दिखा देता। यहाँ पर 5 बिल्डिंग है फेज़ वन के अंदर, सामने आप देख रहे हो वो 5वां नंबर बिल्डिंग है, और जो लेफ्ट में आपके है वहाँ वो सब 1, 2, 3, 4 नंबर तक बिल्डिंग है। मैं आप लोगों को थोड़ा लेके चलता हूँ अंदर। बिल्डिंग के बीचों बीच में देखोगे तो स्पेस वगैरह आपको देखने मिलेगा, काफ़ी अच्छा बड़ा बड़ा स्पेस है। जो चिल्ड्रेन लोग या बच्चे लोग को थोड़ा खेलने वेलने के लिए काफ़ी स्पेस बनाया है। वैसे एक गार्डन तो है, बट बाई चांस कभी है बिल्डिंग के नीचे भी आना रहा तो नीचे भी काफ़ी अच्छे स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा, और आपको वॉक करने के लिए भी स्पेस काफ़ी देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हो, और ग्राउंड पे पूरा टोटल एम्प्टी रहेगा। जो भी फ्लैट स्टार्ट होता है वो फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट होएगा, ग्राउंड पे पूरा एम्प्टी रहेगा, वहाँ पर ओपन पार्किंग खाली दिया रहेगा। अभी मैं आपको यहाँ पर ग्राउंड दिखा देता हूँ। एमिनिटीज में आपको एक बेसिकली ग्राउंड देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर क्या है मैं आपको लेके चलता हूँ, आगे दिखाता हूँ। ये जैसा आप लोग देख रहे हैं सीनेरियो सेम एज इट इज़ ऐसे ही है, आप आओ। इससे अच्छा मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोग मेरी वीडियोस को थोड़ा लाइक किया करो। मैं आप लोगों को हो सकता हो तो जितना हो सकता हो उतना अच्छे से बताओ, एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप लोगों को इतना विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप एकदम ही सेटिस्फाई हो जाए देख के, तब आओ, तब इंटरेस्टेड रहो। प्राइस भी जम रहा है, लोकेशन भी अच्छा लग रहा है, देखने को भी मज़ा आया, तब आओ, तब फिर आप लोग को मज़ा आएगा। अभी ये सामने आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे थोड़ा चिल्ड्रेन लोग का भी थोड़ा बहुत इक्विपमेंट मतलब लगा के रखा हुआ है खेलने कूदने के लिए, तो ये आप लोग देखें। अभी मैं आपको थोड़ा सा फेज़ टू के बारे में बताना चाहता हूँ। फेज़ टू क्या है, जैसे फेज़ टू यहाँ पर आ रहा है, तो ये फेज़ टू अभी तक का स्टार्ट नहीं हुआ है। ये कुछ मतलब समझो ना, जैसे अभी मानसून चल रहा है, 1-2 महीने में स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग जगह देख रहे हैं, ये टोटल ये पूरा फेज़ टू का पूरा एरिया है, यहीं पर ही फेज़ टू आने वाला है। जहाँ से मैं एंटर किया वहाँ से फेज़ टू का गेट रहेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा अभी एम्प्टी है। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, मतलब लाइक जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, 1 BHK में कम से कम 5 लाख से लेके 8 लाख तक का आपको डिस्काउंट देखने मिलेगा फेज़ टू के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अभी आ जाओ चलते हैं फ्लैट की तरफ। फ्लैट की तरफ चढ़ने के लिए अपने को पहले तो लिफ्ट या फिर स्टेयरकेस यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको स्टेयरकेस की कंडीशन और लिफ्ट की कंडीशन भी दिखा देना चाहता हूँ। तो ये देख सकते हैं स्टेयरकेस भी काफ़ी अच्छा मजबूत है। तो स्टेयर केस मतलब सीढ़ी से भी आप जा सकोगे, और इसमें एक हाई स्पीड लिफ्ट भी दिया हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सब कुछ दिखाता हूँ, आप देखते रहिए वीडियो तो एंड तक देखिए, आपको बहुत देखने को मज़ा आएगा। तो ये लिफ्ट मैंने खोला, लिफ्ट के अंदर की क्वालिटी भी दिखा देते हैं। एक बेसिकली डोर रहेगा और इस टाइप का एक शटर रहेगा, तो इसको आप लोग खोल के अंदर जाना पड़ेगा। अंदर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है लिफ्ट की, देखो कि बटन्स वगैरह काफ़ी सारा स्टील क्रोम का स्टील स्टील किया हुआ है, काफ़ी मस्त लग रहा है। और कितनी हाई स्पीड से ये ऊपर जाता है ये भी चेक करो, देखो मैं दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से स्पीड में एकदम जा रहा है। और इसके ऊपर चेक करोगे, मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, फ़ैन भी लगा हुआ है, ये देखो गर्मी नहीं हुई कि आपको, काफ़ी स्पीड से वो फ़ैन चल रहा है, एकदम मस्त, अच्छा गर्मी नहीं लग रही, बट छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। अभी हम आपको ये सैंपल शो करते हैं फ्लैट का, तो ये पैसेज एरिया देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये 1 BHK दिखा रहा हूँ। 1 BHK जो स्टार्टिंग एरिया रहेगा वो 600 का रहेगा, वो भी बिल्डअप एरिया रहेगा, 600 से बिल्डअप एरिया चालू होता है। मैं आपको ये डोर की फिनिशिंग दिखा दे सकता हूँ, डोर एक बार चेक कर सकते हैं आप लोग। एज इट इज़ आपको फ्लैट इसी टाइप का मिलने वाला है। और जो मैं हॉल का साइज़ बताऊँ तो लगभग 10 फीट बाय 8 फीट का है। और फॉल सीलिंग पे आपको दिखाओ तो ये फॉल सीलिंग आप चेक कर सकते हैं, फॉल सीलिंग पे आप अपना वर्क करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कनेक्शन दिया हुआ है 3-3 का, और यहाँ पर एक ट्यूबलाइट का दिया हुआ है, सामने भी दिया हुआ है। और बाकी आप यहाँ चेक करोगे तो आपको गैलरी बालकनी आपको देखने को मिलेगा, और ये भी इसकी भी साइज़ काफ़ी अच्छी है, 2.5 फीट बाय ऑलमोस्ट 8 फीट का है बालकनी। और यहाँ से आपको एक अच्छा नेचर का व्यू मिलेगा देखने को। और जब यहाँ पर फेज़ टू का काम रेडी हो जाएगा तो शायद बिल्डिंग सामने आ जाएगी, और बिल्डिंग यहाँ पर 4 फ्लोर 7 फ्लोर की बिल्डिंग बनने वाली है, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये फेज़ टू का काम यही जगह पर काम चालू होना है। और यहाँ पर आप चेक करोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर किचन का भी देखने को मिल जाता है बालकनी यहीं से। आ जाओ मैं आप लोग लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ यहाँ पर। तो अभी हम हॉल में एंटर किए, और ये देख सकते इसकी भी डबल डोर रहेगा, ये देख सकते हैं विंडो, डबल डोर का विंडो रहेगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो आपने वहाँ से एंटर किए और ये आपका पूरा हॉल, उसके बाद आपको यहाँ पर सामने देखने को मिलेगा अंदर ये छोटी सी एक गैलरी, जो कि लेफ्ट में आपको किचन मिलेगा, किचन का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। और ऊपर देख सकते हैं स्पेस है, आप एक मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर मैं आपको टॉयलेट और बाथरूम अटैच दिखा देता हूँ।
ये इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ ऊपर देखोगे तो आपको वाटर का स्टोरेज का दिखेगा ना स्पेस, बट वाटर कैसा रहेगा, डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा आपके पास, डायरेक्ट पानी आएगा यहाँ पर, और इंडियन टॉयलेट के साथ ये आ रहा है फ्लैग। और यहाँ पर मैं आपको सामने लेके चलूँ तो बेडरूम, बेडरूम लेके चलने से पहले मैं लेफ्ट में आप लोगों को एक ड्राई एरिया भी दिखा देना चाहता हूँ, जो बेसिकली आप एक इसको एज अ ड्राई एरिया यूज़ कर सकोगे, वॉशिंग मशीन रख के या फिर जो भी कुछ आप कर सकोगे। इसकी स्पेस काफ़ी अच्छी है, ऑलमोस्ट मैं आपको बताऊँ तो 5 फीट बाय 3 फीट का स्पेस है ये पूरा बालकनी का, जो कि इसका किचन का है। और यहाँ सामने देख सकते हैं ऑलमोस्ट जैसे मैंने बताया है, आप साहब लोग रहने भी आ गए। ये पूरा फेज़ वन तो पूरा कम्प्लीटली 90% बिक चुका है। तो ये मैं आपको बेडरूम में लेके चलता हूँ, बेडरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा है, ये मास्टर बेडरूम के साथ आ रहा है यहाँ देख सकते हो। और इसमें आपको इंडियन टॉयलेट नहीं मिलेगा, वेस्टर्न टॉयलेट मिलेगा, और ऊपर जैसा मैंने बताया आपको खाली एम्प्टी स्पेस रहेगा, डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा वाटर का। और यहाँ पर बेडरूम आप चेक कर सकते हो, अच्छा खासा बेडरूम है, दो दो ये सब दिया हुआ है प्लग लगाने का। और यहाँ पर मैं आपको व्यू दिखाऊँ बाहर का नेचर का, इसका भी बालकनी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी 3 फीट बाय 5 फीट के आसपास है बालकनी। और सामने से आपको गार्डन का व्यू दिखेगा जो मैं आपको दिखाया था स्टार्टिंग में। और यहाँ से आप चेक करोगे तो वो सामने आपको हाईवे दिख रहा है, ओल्ड हाईवे पुणे मुंबई का, जो कि सब गाड़ियाँ वहाँ से जाती है। तो उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ दिखा देता हूँ, यहाँ पर सेंट वेलफर्ड स्कूल भी है, और साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज का यूनिवर्सिटी भी है यहीं पर ही बाजू में ही है। तो स्कूल और यूनिवर्सिटी की आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ पर कनेक्टिविटी में बाजू में ही है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। पेट्रोल पम्प भी सामने है, ये देख सकते यहीं पर ये सब। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो अभी मैं आपको 1 आर के शो करना चाहता हूँ, 1 आर के का सैम्पल फ्लैट दिखा रहा हूँ। ये 1 आर के का जो रहेगा वो 480 बिल्डअप का एरिया रहेगा पूरा, यहाँ पर आप फॉल सीलिंग वगैरह देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी भी साइज़ ऑलमोस्ट काफ़ी बड़ी है, बिग साइज़ का है। यहाँ पर आप चेक करोगे तो डोर का देख सकते हैं, उसके बाद मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ सामने आपको किचन बाथरूम का रहेगा, उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक बालकनी दिखाना चाहता हूँ। भाई कितनी बड़ी बालकनी है, ये देखो यहाँ पर एक बेडरूम बन सकता है अगर चाहे तो, लेकिन है नहीं, अलाउड नहीं है। बट इतना बड़ा एक बेडरूम जैसा साइज़ का, इतना बड़ा बालकनी है, कम से कम मेरे हिसाब से 6 फीट बाय 8 फीट का रहेगा बालकनी। और यहाँ से वही सामने नेचर का व्यू अच्छा। और मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, यहाँ पर एक ये क्या बोलते हैं पैसेंजर ट्रेन का ये लाइन है, देख सकते हैं यहाँ पर ट्रेन भी जा रही है, देख रहे हैं आप, दिख रहा है, ये बेसिकली एक रेल लाइन है पैसेंजर ट्रेन के लिए। फिलहाल लोकल ट्रेन के लिए यहाँ पर नहीं आती, बट इन फ्यूचर बहुत जल्दी होने वाला है। और जस्ट 1 किलोमीटर पे ही आपका ये स्टेशन रहेगा भिंगार स्टेशन। फ्यूचर में जब यहाँ पर लोकल ट्रेन का अवेलेबिलिटी होएगा तो यहाँ पर आपको नज़दीक में, सबसे नज़दीक में प्रोजेक्ट के 1 किलोमीटर पे भिंगार स्टेशन आ जाएगा, जो कि वहीं पर ही है। तो ये तो आपको मैं कनेक्टिविटी एक थोड़ा मैं शो कर दिया रेलवे का भी, ताकि आप लोग को फ्यूचर के लिए एक कुछ पता लगेगी फ्यूचर में आगे यहाँ क्या होने वाला है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं अंदर चलता हूँ तो एक हल्का सा आपको यहाँ पर अच्छा खासा एक गैलरी देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस है यहाँ पर। आप इसको आप एज अ शायद मेरे हिसाब से आप यहाँ पर वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, बाकी यहाँ तो अटैच है जो कि इंडियन टॉयलेट रहेगा। और ऊपर एज इट इज़ जैसा मैं 1 BHK में बताया, यहाँ पर डायरेक्ट वाटर सप्लाई रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं किचन, किचन का भी एरिया काफ़ी अच्छा है, प्लेटफॉर्म देख सकते हैं, बाकी मॉडुलर किचन बनाने के लिए काफ़ी अच्छा है, ऊपर वगैरह भी आप लोग कुछ बना सकते हैं। और इसका भी बालकनी दिखाऊँ तो बहुत बड़ा है, ये देखो काफ़ी बड़ा है, ये तो कम से कम मेरे हिसाब से 9 फीट बाय 3 फीट का है बालकनी, इतना बड़ा। और सामने देख सकते हैं सारे लोग रह रहे, और वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये था पूरा 1 RK का फ्लैट का सैंपल जो मैंने आपको दिखाया। तो गाइस ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, मैंने आप लोगों को पूरा कंप्लीट बताया, फिर भी आप लोगों को कुछ भी छूट गया होगा, इस कुछ भी क्वेरी से कुछ भी डाउट है तो यहाँ पर देखो एक नंबर दिख रहा रहेगा यहाँ पर डिस्प्ले पे, आप लोग इस पर बिंदास कॉल करो, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, कोई हिचकने की बात नहीं है, सीधा कॉल कर दो, आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, फुल हेल्प मिलेगा। आप लोग कॉल करके जो भी पूछना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ भी पूछना, लाइक क्या बोलते हैं मेरे को कितना इसमें मंथली का ये जाएगा, क्या बोलते हैं अपना खर्चा जाएगा, क्या जाएगा, छोटी छोटी चीज़ भी आप लोग की बिंदास कॉल करके पूछा, आप लोगों को सारी सुविधा मिल जाएगी कॉल पे ही। बाकी जो भी कुछ कुछ रहता है ऐसा छोटी छोटी चीज़ जो भूल जाता हूँ, नहीं बता पाता, तो आप लोग उस अगर आपको आइडिया है उस चीज़ का तो आप लोग कॉल करके पूछ लेना। बाकी मैं बता सकता हूँ ये प्रोजेक्ट को मेरा क्या देखने का नज़रिया, क्या व्यू है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा है, एक मिडिल फैमिली के लिए तो काफ़ी अच्छा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं, ज़्यादा पैसा भी, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, और जो एरिया है उसके हिसाब से तो काफ़ी अच्छा मुझे लगा, क्योंकि नज़दीक में आप लोगों को कनेक्टिविटी में देख सकते हैं। लाइक अपने को बॉम्बे में काम करने के लिए जाने के लिए आपको पनवेल स्टेशन जाने के लिए 4 से 5 किलोमीटर पे ही है, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप लोगों को एक टैक्सी मिल जाएगा, एक गवर्नमेंट का बस मिल जाएगा, इस दो तरीके से आप पनवेल स्टेशन जा सकते हैं। पनवेल स्टेशन से आप मुंबई में एंटर कर सकते हैं, जो कि मुंबई में एंटर करने के लिए ज़्यादा नहीं 40 मिनट लगता है पनवेल स्टेशन से, फिर उसके बाद वहाँ पर आपका जो भी जॉब का रहेगा वो आप कर सकोगे। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है यहाँ से लेके, और बाकी आसपास में एरिया में आपको जो नीड रहती है लाइक
एक सुपरमार्केट की, फिर पेट्रोल पंप की, हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, यूनिवर्सिटीज़ की, ये सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध है। ट्यूशन ट्यूटोरियल वगैरह हर चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर, जो कि एक फैमिली को चाहिए रहता है आगे बढ़ने के लिए, फ्यूचर में काम करने के लिए, फ्यूचर में कुछ करने के लिए, तो चीज़ सब कुछ है यहाँ पर। बाकी जॉब्स वगैरह का मैं बोल सकता हूँ, कंपनियाँ वगैरह भी है, काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पर भी है, तो जॉब अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर। अभी जैसे पता है आपको एयरपोर्ट भी बन रहा है नवी मुंबई में, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहाँ पर भी आप लोग को जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाजू में ही है, यहाँ से कम 10 किलोमीटर पर रहेगा। तो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पर नवी मुंबई में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसको आगे आप अभी परचेस करोगे। यही सेम प्रोजेक्ट का ना मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो यही मैं बताना चाहूँगा, 2 साल पहले ना ये यहाँ का जो प्रोजेक्ट जब ये रेडी हुआ था, फेज़ वन बन रहा था, तब लोगों ने यहाँ पर 23 लाख में परचेस किए थे 1 BHK, और आज की तारीख में कितने मिल रहे हैं, कम से कम 27 लाख में मिल रहे हैं। तो सोच सकते कितना जल्दी इसका रेट बढ़ गया। तो ऐसा फेज़ टू में जैसे ही कंप्लीट, फेज़ टू में आप लोग ये एज ए इन्वेस्ट करोगे तो उसके लिए तो मैं बोलता बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर अभी इन्वेस्ट कर दोगे आप लोग को, सोचो वो जो 1 BHK का जो प्राइस है 27 लाख, वही सेम चीज़ आप लोगों को 20 लाख में मिल रही है, और वही आगे जाके और भी इसका रेट मेरे हिसाब से 30 लाख भी हो सकता है आने वाले टाइम में, 4 से 5 साल में। तो आपका काफ़ी अच्छा पैसा उसमें इन्वेस्ट करने के बाद अच्छा खासा एक प्रॉफिट हो सकता है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना कोई भी लॉस की बात नहीं होती, काफ़ी मतलब फ्यूचर में हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो ऐसा बढ़ेगा। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और अपने फैमिली मेंबर्स लोग के साथ भी ये ज़रूर शेयर करना, जिनको भी रिक्वायरमेंट एक अच्छे होम बजट होम में, तो उनके लिए भी शेयर करना, और जो जिनको इन्वेस्टमेंट भी करना है एक लीगल प्रॉपर्टी में तो वो कर सकते हैं। ये पूरा लीगल है, कोई भी इलीगल नहीं है, OCC सब कुछ अवेलेबल है इसके अंदर, इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, तो चलो अभी मिलता है आपको गाइस मेरी न्यू वीडियो में, होप मेरा ये वीडियो पसंद आ रहेगा। ठीक है, बाय।